आप देख रहे हैं मिस्टर विलेज लाइफ, आज हमारे नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मेरा यह फर्स्ट ब्लॉग है। आप देख पा रहे हैं कि अभी जो हम खड़े हैं काड़ी कोसी के ऊपर हैं, यह चाचर है। आप देख पा रहे हैं कि यह नदी के इस पार आने जाने की यह रास्ता है। आप देख पा रहे हैं कि कितने तक लोगों के साथ ये लोग आना जाना करते हैं, और चलिए आपको दिखाते हैं कि ये कैसे सब आर पार होते हैं एक गाँव से दूसरे गाँव जाने के लिए। ये मलकान घाट है, ये बिहार के अंदर मलकान घाट कटिहार में पड़ता है। इसके बारे में आज आप लोग को वीडियो बनाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि क्या है नहीं है। चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए। अब देख पा रहे हैं ये हमारे साथ जो कि अंकल जुड़े हुए हैं। अंकल जी आप बताइए कि मतलब इस चाचर से कैसे आदमी परेशानी से आना जाना, परेशानी होता है, परेशानी हो रहा है, थोड़ा जोर से हो गया, जोर से परेशानी हो रहा है, परेशानी होता है, चालीन परेशानी हो रहा है जाने में। अभी जो है अंकल जी, अभी जो अभी जैसे अभी बाढ़ पानी का अभी टाइम है, अभी बाढ़ आने वाला है, तो ये चाचर रहेगा या उठ जाएगा? चाचर उठ जाएगा, चाचर उठ जाएगा, और आदमी को बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। अच्छा, आप देख पा रहे हैं कि अभी अंकल ने जैसे बताया कि ये चाचर जो है अभी मतलब और कुछ ही दिन टिकेगा, एक आध हफ्ते, उसके बाद क्या होगा कि ये चाचर खत्म हो जाएगा, उसके बाद नाव से आना जाना करेगा, जैसे कि चाचा बता रहे हैं। और आपको दिखाते हैं किस टाइप से यहाँ पे ये चाचर बना हुआ है, एक गाँव से दूसरे गाँव जाने के लिए। आप देख सकते हैं कितना मतलब परेशानी उठाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि विलेज लाइफ में, देखिए विलेज लाइफ में अभी भी कोई ओवरफ्लाई या कोई ब्रिज या कोई चीज़ नहीं बना है। अभी भी इंसान जो है देख पा रहे हैं कि चाचर से ही जाना आना करता है। अब देखिए यह है कसी काड़ी कोसी, ये काड़ी कोसी का नाम से जाना जाता है। अभी जो हम लोग हैं अभी यह मलकान घाट में है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जाम लग जाता है कुछ जंगल आने की वजह से, इसीलिए ये लोग अभी जंगल को क्या कर रहा है, साफ़ कर रहा है, ताकि ये इसे भी बहा के लेके ना चल जाए। करेंट वाला नदी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी जो है फ्लो हो रहा है। देख पा रहे हैं कि यहाँ से पानी बहता है और बहते हुए इधर को जाता है। आप देख सकते हैं कि जंगल देखिए किस टाइप से बह रहा है। देखिए अभी भी गाँव में जो है चाचर में ही चला जाता है। आप देख सकते हैं कि ना कोई रोड, ना कोई ब्रिज, नहीं कुछ कुछ भी नहीं, यहाँ पे चाचर से ही चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतें होती है। आप देखिए यहाँ पे भैया लोग जो है अभी देखिए चाचर को कैसे ही कर रहा है, जाम को हटाने की लोग कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे भी देखिए, आप देख सकते हैं क्या कर रहा है भैया, ये साफ कर रहा है, जंगल से साफ कर रहा है। देखिए ये जो है अभी पानी के अंदर ये जंगल ये सब साफ कर रहा है, ताकि चाचर में कोई दिक्कत ना आ जाए। और भैया अभी आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जंगल साफ कर रहे हैं, पूरा दिन चाल में फंस जाता है तो। अच्छा, फंस जाता है, इसीलिए आप लोग साफ कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, या फिर टूट ना जाए? टूट ना जाए। अच्छा अच्छा, तो ये जो है अभी चाचर जो है भैया, अभी कितना दिन रहने वाला है? अभी तो 10-15 दिन रहेगा। अभी जैसे कि भैया बता रहे हैं, ये भैया बता रहे हैं कि यह चाचर जो है अभी 10-15 दिन रहेगा। 10-15 दिन के बाद यह क्या होगा भैया? टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, इसीलिए टूट जाएगा क्योंकि बाढ़ का पानी इससे ज्यादा हो जाता है। तो उनके बाद नाव से चलेंगे, नाव से चलेंगे। उनके बाद आपको और वीडियो में देखते मिलेगा कि नाव से कैसे चलते हैं। अभी तो ये चाचर है, चाचर जैसे ही खत्म होगा फिर मैं आऊँगा यहाँ पे, वीडियो बनाऊंगा और देखेंगे कि कैसे नाव से चलते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, अभी जो है ये सब में पानी नहीं था। अब देख पा रहे हैं कि अभी यहाँ पे पानी आ गया, अब देख सकते हैं बाढ़ का पानी इधर भी आ गया है। देखिए अब देखिए पहले लाइफ देखिए, अभी भी मतलब कि इस पार से उस पार जाने के लिए, गांव से दूसरे गांव जाने के लिए ये इन लोगों को चाचर का मदद लेना पड़ता है। आप देख सकते हैं, अब देख सकते हैं कि अभी हम ये चाचर में हैं, मलकान घाट के जो चाचर है हम यहीं पे हैं। आप देख सकते हैं कि किस टाइप से यहाँ पे क्या होता है। देखिए विलेज लाइफ में आप देख सकते हैं कि कितना मज़ा आता होगा कि आप लोगों को चाचर से ही चलना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मौसम आज का बहुत ही अच्छा हो रहा है। हमने सोचा कि चलो यार आज फर्स्ट ब्लॉग जो है हम यहीं पे शूट करते हैं, चाचर आप लोग को दिखाते हैं कि विलेज लाइफ में कैसे चाचर होता है और किस टाइप से नदी को पार किया जाता है। ये कोई शहर नहीं, ना ही कोई कुछ है कि यहाँ से ब्रिज बनेगा या ये वो। ब्रिज हालांकि बन सकता है यहाँ से, क्योंकि ब्रिज का भी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है, अभी कुछ दिन लगेगा बनाने में, लेकिन अभी जो है परेशानी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। आप देख सकते हैं, आई लव पूरा में बाइक से भी सब कोई आना जाना करता है, सवार करता है, बाइक हो या साइकिल हो, मतलब इसी से आना जाना करता है पैदल। अब देख सकते हैं उधर दिखाओ, देखिए उधर साइकिल से आ रहे हैं, इसी इस चाचर से होते हुए गुजरेगा।
देख सकते हैं ये जो बाइक आ रहा है अभी इसी चाचर से जाएगा। देखिए ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, अगर ये ब्लॉग अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपना छोटा भाई को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम ऐसे ही ब्लॉग बनाते रहेंगे विलेज से रिलेटेड। विलेज में एक्चुअली होता क्या है नहीं होता है उसके बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी ये सब में बाढ़ पानी का भी ज़्यादा पानी नहीं आया, नहीं तो बाढ़ पानी जैसे ही आएगा। ऐसे आप जेट का खेत जो दिख रहे हैं वहाँ पे पटुआ और ये जो आप दिख रहे हैं दुकान, दुकान के ऊपर से भी सैलाब चलती है यहाँ पे, इतना ज़्यादा यहाँ पे पानी आ जाता है। अब देख सकते हैं उधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पुल बनने का, देखिए कितना दिन में ख़त्म होता है। देखिए बाइक वाले भी आ रहे हैं, अब देख सकते हैं इसी के साथ मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। जय हिंद जय भारत।